नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु पे बात करेंगे। ये बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है, जनरली सबकी जिज्ञासा होती है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये ना जानना चाहे कि उसका बुढ़ापा कैसा जाएगा, उसकी संतान उसका साथ देगी कि नहीं, है ना। तो आज हम आप में से एक भाई ने प्रश्न भी किया था कि सर आप बुढ़ापे को लेके एक वीडियो बनाइए जिससे पता चले कि कुछ बुढ़ापा हमारा कैसा जाने वाला है, अच्छा या बुरा कैसा जाएगा। तो देखिए, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। लेकिन क्या है कि वो जो प्रश्न है ना, उसका अगर मैं जवाब दूँ तो एक वीडियो में बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा भी बताना पड़ेगा और बुरा भी बताना पड़ेगा। तो मैं हमेशा से मानता हूँ अच्छा तो हर किसी को अच्छा ही रहेगा, उसमें खुशी ही आती है, और अच्छे के लिए सरप्राइज़ मिले तो और भी ज़्यादा खुशी आती है ना। हमको बुरे समय के लिए सावधान रहना चाहिए। ज्योतिष सब्जेक्ट ही है अटेंशन का, है ना। हमको सावधान रहना है, उसको टेंशन नहीं लेना, उसके लिए अटेंशन लेना है। तो आज मैं जो बातें बताऊँगा, पहला जो टॉपिक बताऊँगा, आपका बुढ़ापा कौन सा ऐसा बिंदु होगा, कौन से ऐसे योग होंगे जिसके कारण से आपको बुढ़ापा तकलीफ में डाल सकता है या बुढ़ापे में ऐसी तकलीफ आपको आ सकती है, मैं उस पर बात करूँगा, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे कंटेंट्स, वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रोत्साहन मिलता है और मोटिवेशन है, अच्छा लगता है कि लोग, मैं कुछ बता रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, उसको लोग सुन रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, तो एक अच्छा लगता है। बस यही एक आशा के साथ में वीडियो चालू करते हैं। बस ये है कि आप वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि आपको सारा बिंदु मैच होगा, बहुत सारे बिंदुओं पर बात करूँगा मैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुढ़ापा अगर हमको जानना है तो सबसे पहले हम जीवन रेखा पर अगर बात ना करें तो फिर ये पॉइंट अधूरा हो जाएगा, है ना। तो देखिए, मैं जीवन रेखा को ही लेके नहीं चलूँगा। मेरा हमेशा से मानना है कि तीनों मुख्य रेखाओं का बराबर अस्तित्व है और बराबर प्रभाव है। तो तीनों मुख्य रेखाएं क्या क्या होती हैं? एक आपकी हृदय रेखा होती है, एक आपकी मस्तिष्क रेखा होती है, और एक आपकी जीवन रेखा होती है, ठीक है। तो अभी हमको क्या देखना है, इसमें समझना क्या है, सबसे पहले आपको समझना क्या है ना, ये शुक्र का पर्वत है, ठीक है। तो ये शुक्र का पर्वत हमारा बहुत कुछ डिसाइड करता है, हमारे जीवन में जो सुख है, जो लग्जरी है, चाहे भूमि भवन वाहन की बात कर लें, ठीक है, या हर प्रकार का सुख, आपका भोग स्त्री सुख भी हम यहाँ पे जाके देखते हैं शुक्र से, ठीक है ना। हर प्रकार का वैवाहिक जीवन के बारे में भी यहाँ पे हम जाके देखेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन में हर प्रकार के सुख का घर है, ये सुख का घर है ये, ठीक है ना। तो अगर यही चीज दूषित हो गया तो जाहिर सी बात है आपको सुख में कमी आएगी। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, अभी मैं एक रेखा को आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, कन्फ्यूजन होगा बहुत सारी रेखाओं पे, वन बाय वन बात करते हैं। ये होता है हमारा जीवन रेखा, ठीक है। अभी आपको देखना क्या है, जीवन रेखा को आपने गौर किया हो अगर हाथ में, तो समझने वाली बात क्या आती है, सारी रेखाएं आपको सीधी मिलेंगी, थोड़ी कर्व लेके चलती हुई, ठीक है, मतलब एक प्रकार से उसको सीधा समझ सकते हो दोनों रेखाओं को। लेकिन आप क्या देखोगे, आपकी जीवन रेखा ही एक ऐसी रेखा होती है जो गोलाकार होकर चलती है, अर्धगोलाकार होकर चलती है। इसका कारण भी मैंने अपनी एक वीडियो में स्पेशल इसके बारे में ही बताया था, स्टार्टिंग की वीडियो में, जो नहीं देखे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसका कारण आपको अगर जानना हो तो, कि गोलाकार क्यों होती, क्या अर्थ है उसका, है ना। ये चीज़ अब मैं दोबारा यहाँ पे नहीं बता सकता। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, अगर आपकी जीवन रेखा गोलाई लेके चल रही है, ठीक है, तो आपका जीवन सुखमय बीतेगा, इस चीज़ की ये गारंटी देता है, ये उसका अर्थ ही है, ये उसका सूत्र है, ठीक है। ये जीवन आपका सुगमता से बीतेगा, बशर्ते इस रेखा में कोई प्रकार का दोष ना हो। दोष मतलब रेखा गाड़ी फीकी ना होती हो, ठीक है, रेखा द्विभाजित ना होती हो, रेखा में द्वीप ना बनता हो, रेखा में जाल ना बनता हो, ठीक है, रेखा में तिल दाग धब्बा ना हो, ये सब इसके दोष कहलाते हैं। तो वो सब अगर नहीं है, स्मूथली आपको पूरी करो तक जाती हुई दिखती है, गोल पूरा बढ़िया से अर्धचंद्राकार बना रही है, तो आपका जीवन अच्छा बीतेगा, ये इस चीज़ का प्रमाण है। अब इसमें भी कंडीशन आता है, अब जैसे क्या कंडीशन आएगा इसमें, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये जीवन रेखा बनाया, ठीक है ना, अब एक जीवन रेखा मैं और बनाता हूँ, ये देखो, अब दोनों ही अर्धचंद्राकार है, तो क्या इसके जीवन में ज़्यादा सुख होगा या इसके जीवन में ज़्यादा सुख होगा, आपका प्रश्न आना चाहिए। अब आना इसलिए चाहिए क्योंकि देखो, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो शुक्र का क्षेत्र, क्योंकि मैंने कहा ना आपके जीवन का सुख है, ये
सब प्रकार का सुख, चाहे वो भौतिक हो, शारीरिक हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, ये सुख यहाँ पे है आपका। अब इसके क्षेत्र में कमी है इस पहले कंडीशन में, दूसरे क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षेत्र लेके चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका जो जीवन में सुख का स्तर है वो बड़ा होगा, व्यापक होगा, बड़ी चीज़ें मोटरसाइकिल के बजाय आप कार में घूमोगे, ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो जितना ज़्यादा घेरा लेके गोला अगर होके चलता है, इसका ये फंडा ये है कि आपका जो शनि का क्षेत्र है ना उसको ये घेर के चले, जिसका भी जीवन रेखा शनि के क्षेत्र को घेर के चलता है ऐसे लोगों का बुढ़ापा अच्छा जाता है। लेकिन अगर मान लो ये छोटा नैरो होके चल रहा है तो ऐसे लोगों को जो है ना पारिवारिक सुख में कमी आती है या फिर भौतिक सुख में कमी आती है, दाम्पत्य जीवन में असर डालता है ये, तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य खराब होने के कारण से या उसमें बहुत सारी कुछ परेशानियां होने के कारण से वो सुख का अभाव इनको होता है, पूरी तरीके से अपने जीवन में वो सुख का उपभोग नहीं कर पाता है, ठीक है, ऐसा कंडीशन को इससे देखा जाता है। तो चलिए अब मुख्य बिंदुओं पर आते हैं आज का जो टॉपिक है उस पर, ठीक है। अभी मान लेते हैं किसी के हाथ में अगर ऐसा मिले, जीवन रेखा बढ़िया अर्धचंद्राकार, चलिए मान लेते हैं घेरा अच्छा लेके चल रहा है, ठीक है, घेरा अच्छा लेके चल रहा है, चित्र को मत देखिए। अब मान लेते हैं लास्ट में आपको द्वीप बन गया है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मछली का चिन्ह द्वीप का चिन्ह अलग अलग होता है, मछली का चिन्ह ऐसा होगा, ठीक है, द्वीप का चिन्ह ऐसा होगा, ये द्वीप है आपका। तो अगर ये द्वीप बन रहा है लास्ट में तो समझ जाइए आपने जीवन में कितना भी कुछ किया हो, जो भी हासिल किया हो, लास्ट आपका बुढ़ापा अच्छा नहीं जाएगा। और ये मेनली जीवन रेखा किसको बताता है, आपके स्वास्थ्य को, ठीक है ना, आपका हेल्थ को बताता है और आपके पारिवारिक रिश्तों को बताता है ना, परिवार की रेखा भी है। तो या तो परिवार, पारिवारिक सदस्यों से के कारण से आपको परेशानी हो जाएगी, या फिर 90% केस में आपके हेल्थ को लेकर परेशानी आएगी। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत परेशानी आती है, इनका बुढ़ापा बहुत ख़राब बीतता है ऐसे लोगों का, ठीक है। अब भले ही आपकी अगर ये कंडीशन है, ठीक है, भले ही उसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी हो, हृदय रेखा बहुत अच्छी हो, कोई मायने नहीं है, सबसे प्रथम जीवन रेखा है, ठीक है। तो अगर जीवन रेखा में ही दोष है अंतिम सिरे पे, तो आपका बुढ़ापा आपको 100% ख़राब जाएगा। तो ऐसे समय में अपने हेल्थ को लेके, क्योंकि 90% हेल्थ को बताता है ये, तो हेल्थ को लेके आप विशेष रूप से सावधान रहिए, पैसे को पहले से बचा के रखिए, क्योंकि हेल्थ में आपका पैसा जाने वाला है, आप मान के चल लो, ठीक है, इसको आप नहीं रोक सकते हो। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आदमी मरते तक बिस्तर में पड़ा है लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं, अरबोंपति है, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी उसका जीवन ये द्वीप जो है ना नरक कर देता है, ऐसी कोई गंभीर रोग दे देगा कि बिस्तर में ही पड़ा हो जाएगा, जैसे लकवा मार गया किसी को, बिस्तर पे ही उसका सब चीज़ जीवन चल रहा है, ऐसी स्थिति को बताता है। तो ऐसे समय में आज के परिवेश में धन ही आपको रक्षा का कवच है, धन को बचा के रखिए, पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव ना कीजिए, खास करके संतानों से संस्कार दीजिए उनके अंदर में, नहीं तो वो आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरा जीवन रेखा सही बताता हूँ, अगर आपको ऐसा मिले, ये किसी की जीवन रेखा है, ठीक है, घेरा अच्छा घेरा आप मान के चलना, घेरा अच्छा है, मैं चित्र में जैसा बना रहा हूँ उसको देखना नहीं है, ठीक है ना, घेरा अच्छा लिया है यानी कि एरिया अच्छा है शुक्र का, ठीक है, ओके। अब यहाँ से आपको मिले कि कभी अक्सर, अभी जैसे पिछली वीडियो में मैं विदेश यात्रा के बारे में बताया था कि एक रेखा ऐसी निकल के जाती है अगर, तो विदेश यात्रा कब बताती है, मैंने बताया था ना, वैसे ही आपको एक रेखा यहाँ से जीवन रेखा से एक रेखा निकलती हुई ऐसी दिखाई दे। अब इसमें नोट आउट क्या करना है, ये जो फोर्क निकला है ना, ये फोर्क एकदम निचले हिस्से से निकले तो वो ज़्यादा मायने नहीं होता है, ठीक है, वो भी नुकसान करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको, अगर आपको दिखेगा कि कुछ ऊपर से आ रहा है, चाहे यहाँ से आ रहा है या यहाँ से आ रहा है, कुछ ऊपर से ही ये डबल फोर्क होते हुए आ रहा है, अच्छी स्थिति नहीं है, ये आपका दाम्पत्य जीवन पर असर डालेगा। पहला चीज, आपको पत्नी के कारण से कष्ट होगा, ठीक है, या पत्नी के कारण से कैसा कष्ट होगा, स्वास्थ्य में पत्नी रोगी हो जाए, उसके कारण से आपका बुढ़ापा परेशान होए पत्नी को लेके, ठीक है, उसकी चिंता में बीते, या फिर पत्नी ही आपकी साथ ना दे आपका बुढ़ापे में, ऐसी स्थिति को भी बताता है, ये बहुत ख़राब स्थिति है, ऐसे लोगों का भी बुढ़ापा पारिवारिक रूप से देखा जाए अच्छा नहीं बीतता है, ठीक है, पारिवारिक दृष्टिकोण से ऐसे लोगों को तकलीफ आते रहती है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों को ससुराल से भी नुकसान हो जाता है, ये भी चीज़ है, क्योंकि ससुराल, शुक्र आपका ससुराल भी है,
तो ससुराल से कुछ मसलों के कारण से भी धन का नुकसान को बताता है, या चिंता को बताता है, या परेशानी को बताता है, या फिर पत्नी के स्वास्थ्य, मेनली ये पत्नी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेकार है। पत्नी रोगी मिल जाती है और उसका साथ फिर आपको बहुत तकलीफ देता है, और उसके कारण से आपका धन और समय और आपका जो चिंता है वो बढ़ती जाती है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो ये भी मेन बिल। और हाँ, इसका एक और फंडा जो मैंने कहा, निचले हिस्से में अगर हो, इसको भी समझिए। ये जीवन रेखा क्या है ना, एक धारा है, ऊर्जा है, एक ऊर्जा का प्रवाह है। अब यही ऊर्जा का प्रवाह जब दो साकित हो जाए, ठीक है, तो ये ऊर्जा यहाँ पे बढ़ गई आपकी, आपकी जीवन शक्ति बढ़ गई दो भागों में। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ से जो जीवन ऊर्जा शक्ति मिली थी आपको, जो यहाँ यहाँ तक चली, उसके बाद ये इधर चली गई, तो ये जो आपकी मुख्य रेखा है, ठीक है, उस पर ऊर्जा का प्रवाह हो गया कम। तो ऐसे लोग शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं। जिस एज में ये वाई फोर्क बनेगा, उस एज से आपकी शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। अगर ये बहुत ऊपर केस में बन रही है तो ये भी बात आता है, ऐसे लोगों की पौरुष क्षमता में कमी आती है, इसके कारण से इनका दाम्पत्य खराब होता है। जवानी की उम्र के बाद से, यानी कि मिड जवानी में ही मान लो ऐसी रेखा बन गई, तो ऐसे लोग कभी कभी कुछ सेक्सुअल डिजीज़ का, या हो सकता है नपुंसक भी हो जाए, ऐसी स्थिति को भी बताता है, ठीक है। तो फंडा क्या है, आपकी जीवन शक्ति या जीवन ऊर्जा में कमी को बताता है। वही अगर बुढ़ापे में ऐसा हो जाए तो ऐसे लोग शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं, फिर उनको रोग घेरता है, और रोग के कारण से उनका बुढ़ापा तकलीफ में बीतता है। ये ऐसी स्थिति को भी बताता है, ठीक है। अब और देखिए, जीवन रेखा से जुड़ा हुआ, अब मान लो आपको द्वीप भी नहीं है, आपकी जीवन रेखा सही शॉर्ट चल रही है, अब लास्ट में क्या हुआ, ये रेखा एकदम से गाढ़ी होने लग जाए, लास्ट में रेखा एकदम गाढ़ी होने लग जाए, इसका क्या मतलब होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इस एज में जाने के बाद में, जैसे आप इस एज में इंटर किए, अब आप रोग के घेरे में आ गए, अब आपका जो रोग है बहुत तकलीफ देगा आपको, और अप टू एंड आप रोगी रहेंगे और रोग से लड़ते रहेंगे, उसके कारण से बुढ़ापा तकलीफ में बीतेगा आपका, ठीक है। ये ऐसी स्थिति को बताता है। ये आपकी जीवन रेखा से एक और बिंदु आप निकाल सकते हो। अब मैंने, अब इसमें बहुत बार अलग अलग चिन्हों को लेकर नहीं बात करूंगा मैं। जीवन रेखा में अगर अंतिम सिरे में आपको कोई भी प्रकार का दोष आ रहा है, द्वीप है, जाल है, धब्बा है, तिल है, क्रॉस है, या नक्षत्र बना रहा है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। आपके बुढ़ापे के लिए आपको सूचना दे रही है कि आपका बुढ़ापा तकलीफ में बीतेगा, रोग के समस्या में घिरेगा, ऐसा ये बता रहा है। उसको अलग अलग चिन्हों पर बात करूँ तो लंबा फालतू में खींचने वाली काम हो जाएगी, है ना। दूसरे मुद्दे पर बढ़ते हैं। अब एक और मैं आपको बताता हूँ, जो अपने कर्मों का, जिसको बोलते हैं ना कर्मा, हम लोग कर्मा बोलते हैं जिसको, जिसके कारण से लोग परेशान होते हैं, उस पर भी बात करता हूँ। देखिए क्या होता है, जिसका, जिस इंसान का शनि का ये पर्वत है, इसको बोलते हैं शनि का पर्वत, ओके। शनि का पर्वत अगर आपको एक्सेसिव उठा है, बहुत उठाव है वहाँ पे, जनरली शनि का पर्वत समतल हो तो अच्छा है, दबा हो तो भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दबा हो तो ख़राब है, ठीक है। वैसे ही बहुत ज़्यादा उठा हो, एकदम उभार बहुत ज़्यादा लगे बाकी पर्वतों से, तो आप समझिए आपको तकलीफ आने वाला है। आप क्या तकलीफ आएगा ऐसे, और ये उभार हो, शनि का पर्वत उभरा हो, और ये जो चंद्र का क्षेत्र है ना, ये चंद्रमा का पर्वत, चंद्रमा का पर्वत दबा हो, ठीक है। शनि का पर्वत उठा हो, चंद्रमा का पर्वत दबा हो, अब इन लोग के साथ परेशानी क्या आती है, ये बोलते हैं सही मायने में कर्मा, अब भगवान इनको देता क्या है। देखो अब ये अपने जवानी में, जैसे 22 साल के होते हैं ना, बहुत सक्सेस करते हैं, 22 साल की उम्र से ही अच्छा नौकरी मिल गया, अच्छा व्यवसाय हो गया इनका, खूब सक्सेस करते हैं, बहुत अच्छे से धन कमाते हैं, ठीक है। अब इनका जो मुख्य यहाँ पे दोष क्या आता है, शनि पर्वत का उठाव, ये शनि की पीड़ा है, ठीक है, ये शनि की पीड़ा है। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग दूसरे की, आप देखो अपने हाथ में, किसी के हाथ में अगर है तो आप अगर सही मायने में समर्थन करते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करना, या आप दूसरे के हाथ में देखो, जिसको आप जानते हैं, जिसका स्वभाव को जानते हैं, उसके हाथ में जो बता रहा हूँ, ऐसे लोग दूसरे की प्रगति नहीं देख पाते, बहुत जलन होता है, ठीक है। दूसरा मतलब दूसरा, चाहे वो अपना बेटा ही क्यों ना हो, अजीब स्थिति है ये, बहुत ही अलग स्थिति है, ठीक है। ऐसी स्थिति है कि ये केवल अपने ही बारे में बहुत स्वार्थी होते हैं, अति ज़्यादा स्वार्थ, ये अपने भाई के लिए भी अच्छा नहीं सोचेंगे अगर वो प्रोग्रेस इनके सामने करने लग गया। जलन इतनी व्याकुल कर देती है इनको कि उनका अहित करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं, और पूरी कोशिश भी करते हैं अहित करने का। इसीलिए ऐसे जो लोग हैं ना, इनके साथ में अगर पार्टनरशिप का कभी मौका मिले, गलती से मत करना। साथ में चलते चलते कहीं आप आगे निकल गए और उसको लग गया कि आप आगे निकल रहे हो, तो ये अपनी बर्बादी करके भी आपको गिराएगा। ये ऐसे लोग होते हैं इन लोग,
इतना जलन इनके अंदर में होता है जिसका शनि का पर्वत बहुत उठा हो और चंद्रमा दबा हो, बहुत अजीब स्थिति है। तो इनको अपने कर्मों का दंड मिलता है इनके बुढ़ापे में। मैंने कहा कि ये अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, खूब धन पैसा कमाते हैं, ठीक है, बचपन जवानी बढ़िया बीतता है इनका। अब जैसे बुढ़ापा आता है ना, ये इनको कर्मों का दंड मिलता है, शनि की पीड़ा इनको मिलती है, इसको इनके अपने साथ नहीं देती, इनका कर्मों का दंड ऐसा मिलता है दूसरे का हित करने के कारण से, अब इनके ही संतान इनको साथ नहीं देते, इनके ही संतान इनकी उपेक्षा करते हैं, बुढ़ापा इनका तकलीफ में बीतता है ऐसे लोगों का। अब देखना किसी के हाथ में अगर हो तो, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मान लेते हैं ये जो होता है ना, इसको बुद्ध की उंगली बोलते हैं, इसको सूर्य की उंगली बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर ऐसा रेखा मिले आपको, तीन चार रेखाएं खड़ी खड़ी मिले वहाँ पे, और ये रेखाएं बहुत बारीक रेखाएं होंगी, ऐसा नहीं कि बहुत गाढ़ा हो, गाढ़ा हो तो और ज़्यादा तकलीफ़ है, ठीक है। और आपको ये रेखा जीवन रेखा, अब जीवन रेखा चाहे गाढ़ी हो चाहे इस पे द्वीप बने, कोई भी प्रकार से दोष बन रहा है आपके बुढ़ापे के एज में, ठीक है ना। या अगर बुढ़ापे के एज में कोई दोष नहीं भी बन रहा है, अजीब स्थिति है ये, ठीक है, भले ही आपको बुढ़ापा की स्थिति या तो दोष बन गया है जीवन रेखा में निचले हिस्से में, तो ठीक है, आपको इंडिकेशन दे रहा है। और अगर नहीं भी बना है तो भी अगर ये रेखा ऐसी खड़ी खड़ी होगी और उसको कोई आड़ी रेखा ऐसी काटने लग जाए, कहने का मतलब जाल बने, और जाल आधा बुध पे बने और आधा सूर्य पे बने, अपने घमंड और अपनी कटु आड़ी, दूसरों को एकदम टीस करने वाली बात, उपेक्षा करने वाली, अवहेलना करने वाली बात ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है, और उसके कारण से ऐसे लोग, ये कर्ज की स्थिति को भी बताता है, अगर इस पे द्वीप बन गया तो ऐसे लोग कर्ज में गिरते हैं, ठीक है, कर्ज लिए और उस कर्ज में फिर अपने घमंड की पूर्ति के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए, ऐसी स्थिति को बताता है, ऐसे लोग थोड़े से होते हैं, थोड़ा सा शो अप करने वाली स्थिति को बताता है, उसके चक्कर में जितने की चादर होनी होती ना उससे ज़्यादा पैर पसारने वाली बात ऐसे लोग करते हैं। और अगर ये स्थिति बन गई और बुढ़ापे में भी अगर द्वीप का चिन्ह बन गया, तब तो फिर 100% श्योर समझ लो आप, ठीक है, तो फिर ये ऐसा कर्ज के चक्कर में डूबते हैं कि वो कर्ज उतरता नहीं है, अगली पीढ़ी पे जाता है वो, ठीक है, अपने बच्चों को भी ये बोझा दे के जाते हैं ऐसे लोग, अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। और मान लेते हैं केवल इतना ही है, केवल जाल ही बना है, केवल जाल बना है, तो भी ये स्थिति अच्छी नहीं है, तो भी कर्ज आपके ऊपर चढ़ेगा, अपनी वाणी के कारण से आप अपनी चीज़ों को नुकसान करोगे, अपने घर परिवार में भी जो आपका पारिवारिक तालमेल है, जो सामंजस्य है, उसको ख़राब करोगे, अपने घमंड के कारण से अपने रिश्तेदारों से दूर चले जाओगे, आपको अकेला कर देगा, आपकी कटु वाणी और आपका घमंड आपको अकेला छोड़ देगा, आपका बुढ़ापे के लिए ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग अपने ही संतान को, अपने कोई एक छोटी सी बात को, घमंड को लेके बैठ जाते हैं, जिसके कारण से संतान चाह के भी नहीं आता आपके पास में, या फिर आप आने ही नहीं देते हो, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है, तो अच्छी स्थिति नहीं है ये भी, ठीक है। और हाँ, अब इस पर बात कर लिया हूँ तो इसको भी चलो छेड़ता चलो, अभी जो जवान है उनके लिए बता दूँ, अगर यहाँ पर आपको ऐसी रेखाएँ मिले, ऐसी दो या तीन खड़ी रेखाएं मिले, ठीक है, आप जवान हैं कोई बात नहीं, और ऐसी आपकी बाकी स्थितियां अच्छी हैं हाथ की, खाली इतना अच्छा है, और शुक्र आपका अगर उन्नत है, शुक्र उठा हुआ है, शुक्र का एरिया बड़ा लेके फैल के चल रहा है, या फिर शुक्र पे अगर कोई स्टार है, अगर स्टार ना भी हो तो भी, या स्टार है तो ऐसे लोगों को तो विशेष रूप से पराई स्त्री से दूर रहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में पड़ते हैं ये, घर के बाहर में भी एक और उपपत्नी रखने वाली कहानी करते हैं और उसके चलते ये बर्बाद होते हैं, ठीक है, बदनामी दिलाता है आपको, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। अगर ऐसे स्टार है तब तो और ज़्यादा, ठीक है, स्टार है तब तो और ज़्यादा सावधान रहिए, दूर रहिए, नहीं तो ये आपको धन का नुकसान तो कराएगा ही कराएगा, और आपके मान सम्मान में भी ऐसा एक बार चोट लगाएगा कि आप फिर समझो कि मुँह छुपाने वाली हरकत हो जाएगी आपकी, ये अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। एक और स्थिति बताता हूँ, कभी कभी आप देखोगे ना किसी का ऐसा मिलेगा आपको, जैसे मैंने तीन पोर बनाया उंगली पे, है ना, अब इसमें देखने वाली क्या बात आ रही, जो ऊपरी पोर है शनि का और सूर्य का, दोनों का ऊपरी पोर अगर आपका बहुत लंबा है, अच्छी स्थिति है, धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, ठीक है, अगर दोनों ऊपरी पोर आपका बहुत अच्छा है, धन के लिए अच्छी स्थिति है, और उसके बाद में अब ये ख़राब स्थिति कब बन जाएगी, जब आपको ये जो जैसे कि चित्र में बना है ना, अब आपको ऐसे ही बन जाए, ऊपरी हिस्सा फैले, ऊपर का जो हिस्सा है वो बीच वाले हिस्से से मोटा हो जाए, ऊपर का हिस्सा बीच वाले हिस्से से मोटा हो जाए, अगर उंगली का ऊपरी हिस्सा लंबा हो,
दोनों उंगली का, एक उंगली का नहीं, दोनों सूर्य और शनि दोनों की उंगली अगर आप, पहला पोर आपका बहुत लंबा है बाकी पोरों से और उंगली का ऊपरी हिस्सा जो है जनरली पतला होता है लोगों का इसके तुलना में या जड़ के तुलना में, है ना। उंगली का आप देखोगे तो नीचे से ऊपर जैसे जाते हो तो उंगली पतली होती है ऐसा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका जो ऊपरी हिस्सा ज़्यादा मोटा हो और ऐसी स्थिति मिले, लंबा हो पूरा ऊपरी हिस्सा मोटा हो, अब इनके साथ क्या होता है, ये अपना जीवन दूसरों के दमन करने में, दूसरों का धन को हथियाने में बिताते हैं और जैसे बुढ़ापा इनको आता है इनको भी कर्मा का दंड मिलता है, ठीक है। इनका भी बुढ़ापा 100% या 200% खराब जाएगा। धन की किल्लत, अपने ही इनका साथ ना देना, उपेक्षा करना, भले धन पड़ा भी रहे तो भी इनके पास में इनको अपने सहयोग नहीं देते, इनको अपने कर्मों का दंड मिलता है। ये भी शनि की पीड़ा है, ठीक है, बहुत ख़राब स्थिति है ये। अगर ऐसी स्थिति है आपके हाथ में, कभी भी गलत तरीके से धन मत कमाइए, वो ना तो वो धन टिकेगा आपके पास में और ना ही आपका साथ देगा वो, ठीक है, दूर रहिए। ये बहुत विशेष वार्निंग है, ऐसा है तो अच्छा नहीं है ये स्थिति, ठीक है। अब और बताता हूँ, यही कर्मा पे ही ये डिपेंड करता है ये वाली साइन भी, ठीक है। अभी ये भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी भाग्य रेखा, जैसे जैसे समय ग्रहों का खेल होता है ना तो यहाँ पे द्वीप बन जाता है। अभी अगर भाग्य रेखा में आपको ऊपरी हिस्से पे द्वीप है, जिसको यूट्यूब में बहुत लोग इसको पत्ती का साइन, पता नहीं पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, क्या क्या बताया जाता है, भाई साहब ये आपको कुछ भी अच्छा नहीं देने वाला है। आपको बुढ़ापे में धन की ऐसी किल्लत कराएगा कि आप भले करोड़पति रहो, आपके पास में चवन्नी भी नहीं बचाएगा, और अगर अरबपति भी हो, अरबपति है वो, अरबों पैसा आपके पास में है तो आपका धन चवन्नी के बराबर है, आपके लिए काम नहीं आएगा, बहुत ख़राब स्थिति, ठीक है। ऐसे लोग को एक और भी आते, क्योंकि हम भाग्य रेखा से केवल धन नहीं देखते, ये भाग्य भी देखते हैं। अब भाग्य में आपका क्या आता है, आपकी पत्नी है आपका भाग्य, आपके बच्चे हैं आपका भाग्य, तो अगर बच्चे हैं तो बच्चे साथ नहीं देंगे, गलत रास्ते पे चलेंगे आपके बच्चे, संस्कार विहीन हो जाएंगे, ठीक है। अगर पत्नी है तो पत्नी आपका अपनी मर्यादा भूलेगी, ठीक है, या फिर आप पत्नी आपका ऐसा भी होगा कि पत्नी आपकी जल्दी मृत्यु प्राप्त हो जाए, आपको अकेला बुढ़ापा काटना पड़े, वो भी संतान उपेक्षा के साथ में, ऐसी स्थिति को बताता है, बहुत ख़राब स्थिति है ये, ठीक है। इसको आप लोग पता नहीं पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, क्या क्या यूट्यूब में बता के इसकी बहुत तारीफ की जाती है, ख़राब है ये, बहुत ख़राब स्थिति है, ठीक है ना। चलिए और बताता हूँ, अभी आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी भाग्य रेखा ईश्वर ने आपको दी, बहुत आपने नाम कमाया जीवन में, बहुत धन कमाया। अब जैसे ग्रहों की स्थिति बदलती है, कर्मा सबका साथ ऐसे ही होना है, जो भी गलत तरीके से धन आता है किसी को आह लेके आप जब धन कमा लिए ना, वो ग्रह अपना खेल खेलते हैं। अब ये ऐसा हो गया, अब भाग्य रेखा आपकी इतनी लंबी हो गई कि तीसरे पोर को चढ़ना चालू कर दी, ठीक है। इतनी लंबी भी कोई दिक्कत का बात नहीं, खाली इतने हो जाए, खाली पोर को क्रॉस कर दे बस, भाग्य रेखा लंबी होके आपके इस पोर के ऊपर चढ़ गई, उंगली पे चढ़ना चालू कर दी, समझ लेना आपका बुढ़ापा बहुत कष्ट में बीतेगा। ऐसे लोगों का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीतता है, भले ही संतान कितनी काबिल हो, कितने ही अच्छे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान हासिल कर लें, 10 पुत्र होंगे उसके, भले ही 10 के 10 पुत्र अपने काम में बिजी हो जाएंगे, आपके अंतिम समय में आपको कोई साथ नहीं देगा, ठीक है ना। आपको आपका जो मृत्यु है सामान्य मृत्यु नहीं होगा, आपका मृत्यु भोग कर मृत्यु को प्राप्त करोगे, आप अपने सारे दुष्कर्मों को याद करते हुए आप मृत्यु को प्राप्त करोगे, अच्छी स्थिति नहीं है। तो अभी भी अगर आप वक्त है, अभी भी ऐसी रेखा बन रही है, सावधान हो जाइए, दूसरे का धन गलत तरीके से मत कमाइए, मत हड़पिए, सही मार्ग पर चलिए, आपके लिए ज़्यादा सही है। और जलन की भावना बिल्कुल छोड़ दीजिए, जलन की भावना मत रखिए। ऐसे लोग खास करके अपने भाई की संपत्ति हड़पते हैं, ठीक है, अपने ही भाई की संपत्ति को हड़पते हैं लोग, तो मत करिए ऐसा, नहीं तो फिर आपको शनि क्या है वो आपको बुढ़ापे में समझ में आएगा, ठीक है ना। और भी स्थिति बताता हूँ आपको, अभी एक जो मैंने अंगूठे पे अभी बता रहा था आपको शुक्र से रिलेटेड, अभी देखिए, चलिए एक भाग्य रेखा से एक और बिंदु बता दूँ। ये आपकी भाग्य रेखा है, अच्छी रेखा है, धन अच्छा कमाया आपने, अब अचानक से आपको ऐसी दिखाई दे कि अभी क्या होता है, ऐसे जाए वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। देखो इसमें भी बहुत सारी स्थिति है, इसको समझना है। जैसे मान लो आपकी ऐसी भाग्य रेखा है, तब तो ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कुछ भाग्य रेखा नहीं है, बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, बहुत आप नाम कमाओगे,
धन कमाओगे। अच्छी रेखा है, मैं इस रेखा की बात कर रहा हूँ। एक रेखा यहाँ से आई और बिल्कुल ऐसा लगे कि ये भाग्य रेखा को किसी ने 90 डिग्री पे टर्न कर दिया, गुरु पे 90 डिग्री पे जाके गुरु पे टर्न हो गया। अब कई लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसी रेखा, तो अच्छी रेखा है, बहुत अच्छी रेखा है, इस पर कुछ बुरा नहीं है, ठीक है ना। ये अच्छी रेखा हो गई और ये हो गई ख़राब। अगर 90 डिग्री पे अचानक से टर्न होकर गुरु पे चली जाए, ये अच्छी स्थिति नहीं है। फिर से मैं कहूँगा इसके लिए बस एक कंडीशन और, शुक्र का पर्वत अगर आज आपका अच्छा उठा है, दूर रहिए, विपरीत लिंग से दूर रहिए, एक्स्ट्रा अफेयर से दूर रहिए, मत जाइए करीब में, नहीं तो आपको ये गिराएगी और बहुत बुरा गिराएगी, आपके दाम्पत्य को बर्बाद करेगी, ठीक है, और बुढ़ापे में भी आपको तकलीफ देगी, अच्छी स्थिति नहीं है ये, ठीक है, इससे बचना है। अब इससे एक जुड़ा हुआ बिंदु और भी है, उसको भी कंप्लीट करते हुए चलते हैं। देखिए बहुत लोगों के हाथ में, अब यूट्यूब की भाषा में इसको बोलते हैं त्रिशूल, ठीक है। अब मैं इसको हार्ट लाइन भी बना देता हूँ, ये हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन। अब यहाँ पे आपको त्रिशूल बना। अब यूट्यूब में आपने देखा कि वाव त्रिशूल है, भगवान विष्णु का अस्त्र है या शिव का अस्त्र है, अब तो फिर हम तो बहुत धनपति हो गए, अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए। जी नहीं, ये आपको वैसे ही तो मैं इसके बारे में जानकारी अलग से वीडियो बनाया था, ठीक है, उस पर आप जाके इस त्रिशूल का पूरा विवरण सुन लेना। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं उस पर आता हूँ, ठीक है। अब ऐसी स्थिति मिले, भाग्य रेखा त्रिशूल बने, अब इस त्रिशूल में देखना क्या है, एक यहाँ पे जॉइंट पे जाए और एक यहाँ पे जॉइंट पे जाए, ऐसा त्रिशूल बनता हुआ दिखाई दे। मतलब कि ये गड्ढा है ना, जो दो उंगली का जहाँ जॉइंट है, उस जॉइंट पे इसको मैं गड्ढा बोलता हूँ, ठीक है। इस गड्ढे पे अगर दोनों में से कोई एक जाए, या तो ये चली जाए गड्ढे पे, या ये चली जाए गड्ढे पे, या फिर अगर दोनों चली जाए गड्ढे पे, ठीक है, अच्छी स्थिति नहीं है। आपने जो भी धन कमाया है वो धन आपके काम नहीं आएगा, या फिर वो धन आपका चला जाएगा, अपने आँखों से आप जाता हुआ देखोगे आप, ठीक है, अपनी पूरी जो संपत्ति आपने हासिल किया है, एम्पायर खड़ा किया है, उसको जाते हुए देखोगे आप, या फिर आपका एम्पायर खड़ा का खड़ा रहेगा, आपको चवन्नी का काम नहीं आएगा, ऐसी स्थिति को बताता है। ऐसे लोगों को बुढ़ापे में बहुत भारी तकलीफ देखने को मिलती है, भाग्य से और धन से, दोनों से तकलीफ दे। ये भी शनि की पीड़ा है, ये भी कर्मा है, ठीक है, ये भी कर्मा ही है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, शनि आपको बहुत कुछ देगा, तो बहुत कुछ ले लेगा अगर आप गलत तरीके से जाएंगे तो, ठीक है, ये अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक और स्थिति पर बात करते हैं, जो बहुत ही अच्छी रेखा है, बहुत ही शानदार रेखा, ठीक है। ये अगर रेखा आपको देखने को मिल जाए, ये रेखा बहुत अच्छी रेखा है, इसमें नो डाउट बहुत ऐसे लोग धन कमाते हैं, मान सम्मान कमाते हैं, खास करके लोहे का व्यापार, यानी लोहे का, चमड़े का, या फिर कोयले का, जो शनि का जो फील्ड है ना, उससे रिलेटेड कोई काम करें, ये बहुत धन कमाते हैं और बहुत मान प्रतिष्ठा कमाते हैं, शानदार स्थिति है। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें से कोई एक रेखा निकल के इधर चली जाए, ठीक है, तो समझो कि अब आपके धन का, आपके कर्मों का दंड आपको मिलने वाला है। अब आपने कर्म ऐसा क्या किया था, आपने कोई भी गलत कर्म नहीं किया था, आपने शुक्र और शनि का मिलन ये रेखा बता रही है, आपने केवल अपने चरित्र को नहीं संभाला। कहने का मतलब, आपने अपने चरित्र को नहीं संभाला, आपने अपने चरित्र पे भटकाव के कारण से आपने विपरीत लिंगियों से बहुत आकर्षित, या विपरीत लिंग से आकर्षण देता है ये रेखा, ठीक है, ये विपरीत लिंग से बहुत आकर्षण करता है। लेकिन जिसका शुक्र शुभ कंडीशन में है, बहुत सुंदर कंडीशन में है, वो अपने शुक्र को मेंटेन करता है, तो विस्त्री वर्ग से विशेष सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को तरक्की में, तब बहुत अच्छी रेखा हो गई। लेकिन आपने उसका मिसयूज किया, तो आपके कर्मा आप बनने लगते हैं, यहाँ से ये गड्ढे पे जाने लगती है, तो आप अब आपको परिवार का सहयोग, यानी कि आपकी बेटी हो गई, या बेटी के कारण से तकलीफ, ठीक है, और या फिर बोलो कि पत्नी के कारण से तकलीफ, या फिर कोई दूसरे औरत के चक्कर में पड़ जाने के कारण से उस औरत का, फिर आपका ऊपर में जो वज्रपात होगा आपके जीवन पे, पारिवारिक जीवन पे, वो ऐसा हो जाएगा कि अब आपके ही घर वाले आपको साइड कर देंगे, निकाल देंगे घर से आपको, या फिर आपको ही छोड़ के चले जाएंगे, और उसके कारण से आप विरह वेदना में आपका बुढ़ापा बहुत बुरी तरीके से बीतेगा, ऐसी स्थिति को ये बताता है, बहुत बेकार स्थिति है, ठीक है। तो इस ऐसे लोगों को भी चरित्र से संबंधित चीज़ों में बच के रहना चाहिए। बाकी धन के मामले में बहुत धन देता है ये, लेकिन ये जब बनने लग जाए ना साथ में, बहुत ख़राब स्थिति, या फिर ऐसा भी बनता है ये, ऐसा बन जाता है। पहले ये रेखा ऐसी यहाँ तक बनी रहती है,
पहले ये रेखा यहाँ तक बनी रहती है, ठीक है, बहुत अच्छी धन की स्थिति रहती है, फिर अचानक से ये जुड़ जाती है, गड्ढे पे चली जाती है, कर्मा, फिर अपने कर्मों का दंड इनको मिलता है, ऐसा आप उसको समझना है, ठीक है ना। चलिए और आगे बात करते हैं। अब एक इसी बात पे की बात याद आ गई, अभी मैंने आपको ये बताया था जो यहाँ पे जाल बनता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को एक सलाह दे देता हूँ मैं, क्योंकि बेटी का टर्म मेरे दिमाग में अभी क्लिक किया, तो ये चीज़ भी बता दूँ मैं। अगर ये स्थिति है, ठीक है, तो आपकी जो बेटी है उसकी शादी बहुत देखभाल के करना, ठीक है, क्योंकि ये पीड़ा है और आपको इस कर्म है आपका, ये आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे लोग भी पराया संबंध बनाते हैं, और अपनी जब बच्ची की बात आती है तो उनकी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ घटना घटता है, या फिर नहीं भी घटता अगर वो चरित्रवान है, तो उसकी शादी ब्याह देख के करना, ठीक है, आपको बेटी के कारण से तकलीफ जीवन में आएगा, उसके वैवाहिक जीवन को लेके बहुत चिंता में बीत के आपका जीवन ख़त्म होगा, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है, बहुत ख़राब स्थिति है ये, ठीक है ना। कर्ज तो देता ही देता है, जिसी को मान लो कर्ज नहीं दिया तो उस कोई ना कोई एक लूप पॉइंट पाता है, वहाँ पे मारता है, ये कर्मा है सारे चीज़, है ना। बाकी चलिए और बात करते हैं। अब एक अच्छी स्थिति पे भी थोड़ी बात कर लेता हूँ, बहुत इसको ख़राब स्थिति नहीं बोलता मैं। देखिए इसमें होता क्या है, जब गुरु का पर्वत आपका अच्छा उठा हो, ठीक है, एक होता है सामान्य उठा हुआ, एक होता है बहुत ज़्यादा उठा हुआ। अगर आपका गुरु पर्वत ओवर डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ठीक है, ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, और उस पर देखो, अब इस पर बहुत लोग बोलते हैं ना ट्रायंगल का साइन बहुत अच्छा होता है, मैं भी बोलता हूँ बहुत अच्छा होता है, धन मान प्रतिष्ठा सम्मान सारा चीज़ आपको जीवन में मिलता है, ठीक है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर उठा हो जाए, बहुत ज़्यादा ही उन्नत है गुरु आपका और उस पर ट्रायंगल बन रहा है, तो आप तो सारा चीज़ गेन करोगे, धन मान सम्मान प्रतिष्ठा सारा चीज़ गेन करोगे, संतान का सुख भी मिलेगा आपको, लेकिन जैसा आपका बुढ़ापा आएगा ना, आपके संतान आपको छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे कि आपका स्वभाव गंदा है, आप खराब हैं, इसलिए चले जाएंगे कि आपके में ऐसा योग बन जाएगा कि आपके संतान आपसे दूर में जाके कमाई करेंगे, आपके पास नहीं रहेंगे, भले पैसा विशेष मदद करेंगे आपका, लेकिन आपको उनका जो प्रेजेंस है वो आपको नसीब नहीं होगा, ये अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है, अगर ओवर डेवलप्ड गुरु है तो, अगर अच्छा डेवलप्ड है, संतुलित डेवलप्ड है, अच्छा होगा, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी फिर, लेकिन ओवर डेवलप्ड के लिए ये केस खराब हो जाएगा, ठीक है। एक गुरु से रिलेटेड पॉइंट ऐसा हो गया। अब गुरु से एक और रिलेटेड पॉइंट बताता हूँ। देखिए ये भी मान के चल लेना आप, ये गुरु का भी मैं गुरु गुंगली में ये बताया, अब इसमें आड़ी लकीरें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आड़ी लकीरें हैं, और गाढ़ी आड़ी लकीरें हैं सेकेंड पोर पे, ठीक है, या फिर सेकेंड पोर पे जाल बन रहा हो ऐसा, तो भी आपका बुढ़ापा, आपके संतान का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, संतान से रिलेटेड कष्ट को ये बताता है, ठीक है, ऐसे समय में भी संतान का साथ लोगों को नहीं मिलता, उसके कारण से दुखी होते हैं ऐसे लोग, वो अवहेलना भी मिलती है संतान से, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब एक और गुरु पे बताता हूँ कंडीशन, अगर आपको हार्ट लाइन ऐसी मिले, बहुत बार नीचे रेखाएं चल रही हैं, बहुत सारी रेखाएं नीचे को चल रही हैं, या फिर हृदय रेखा पूरी तरीके से द्वीप से भरी है, जंजीर से भरी है, कट से भरी है, कोई भी प्रकार से दूषित है आपकी जीवन हृदय रेखा, और आपको गुरु पे काला तिल मिल रहा है, ठीक है, इसमें तीन कंडीशन बता रहा हूँ, ध्यान देना। पहला चीज़, हार्ट लाइन आपकी ख़राब होनी चाहिए, या फिर हार्ट लाइन आपकी नीचे ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, और आपका गुरु पर्वत पे तिल होना चाहिए, और जो गुरु का पर्वत है वो दबा हुआ होना चाहिए। अगर आपका गुरु पर्वत दबा है, उस पे तिल है और हृदय रेखा दूषित है, इसका क्या मतलब, इसका सीधा मतलब है आपको संतान की पीड़ा मिलेगी, और बहुत बुरी मिलेगी। बुरी इसलिए मिलेगी, ये आपकी इमोशन भावनाओं की लाइन है, ठीक है, इमोशनल लाइन है आपकी, बार बार उसका पतन होना, नीचे की तरफ में गिरना आपको इमोशनली तोड़ेगा, बार बार आप इमोशनली हर्ट होंगे, किसके कारण से हर्ट होंगे, संतान को लेकर हर्ट होंगे, या फिर बोलो बार बार आपका धन का व्यय होगा, किस पे व्यय होगा, डिपेंडेंट पे व्यय होगा, संतान पे व्यय होगा, और वो संतान काबिल बनाने की लाख कोशिश करो वो नाकाबिल निकलेगी, आप जिस रास्ते पर चलाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, और उसके कारण से आपको बुढ़ापे में तकलीफ बहुत भारी आएगा, ये बहुत बेकार स्थिति होती है, ठीक है ना। एक और स्थिति बताता हूँ, अब इसमें आप देखोगे क्या कि कभी कभी किसी किसी का आपको ये ऐसा भी देखने को मिलेगा, ये शनि का पर्वत है, ठीक है ना, इस पर स्पष्ट रूप से जाल बनता हुआ दिख जाए, क्योंकि शनि अपने आप में बुढ़ापा है, ठीक है ना, आपके बुढ़ापे को बताता है,
तो अगर ये जाल बन गया, और जाल मान लो बुढ़ापे में जाके बन रहा है, पहले जाल नहीं था, पहले खड़ी रेखाएँ थी या आड़ी रेखाएँ थी, बाद में फिर वो जाल का रूप ले लिया जैसे जैसे आपका एज पहुंचा बुढ़ापे की तरफ में, और उस समय ये जनरेट हो गया, तब समझ लेना निश्चित रूप से बहुत भारी कर्ज की स्थिति, बहुत भारी शारीरिक पीड़ा, नस से संबंधित रोग, ज्वाइंट से संबंधित रोग, ज्वाइंट पेन से संबंधित रोग, या फिर लकवा ऐसा मारेगा आपको कि आपका बुढ़ापा नरक कर देगा। ये अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है, बहुत बेकार स्थिति, कर्ज में डुबा देगा, साथ में रोग इतने तमाम देगा, ज्वाइंट पेन, नस से संबंधित, लकवा से संबंधित, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, बुढ़ापा बहुत, ये भी कर्मा है, ठीक है, ये जब ऐसा पहले ऐसा नहीं होता, ये पहले कुछ खड़ी लकीरें होंगी इस पे, आपने बहुत धन कमाया, बहुत अनैतिक धन कमाया, अनैतिक तरीके से कमाया, फिर जब आपका समय आया, ग्रहों ने लिया चपेट में सॉरी, तो ये जाल बन गया, और ये जाल बनने के बाद में फिर आपको बुढ़ापा तकलीफ में डालेगा, फिर उस समय आपकी रेखाएं ऑटोमेटिक ये फैलने लग जाएंगी, या फिर गाढ़ी होने लग जाएंगी, या फिर द्वीप बन जाएगा, या फिर इस पर कट लगना चालू हो जाएंगे, कोई भी प्रकार से दोष आना चालू हो जाएगा, उस प्रकार से ये पीड़ा को बताता है। तो ये बहुत बुरी स्थितियाँ हैं, ये अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं। अब मस्तिष्क रेखा में आके कुछ बताता हूँ आपको, ये चीज़ बड़ा अजीब स्थिति में बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। देखिए, ये पहले आपकी मस्तिष्क रेखा थी, बहुत अच्छी रेखा है, इतनी लंबी रेखा है, जीवन में बहुत तरक्की आपने किया होगा, बहुत अच्छा आपने किया, सब चीज़ किया, अच्छी बात है। जैसे जैसे समय का करवट बदलता ना, समय यहाँ पे बनता है द्वीप, ये आपका बन गया मान लो द्वीप। अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पास में आए थे हाथ दिखाने के लिए, उनके हाथ में ये चिन्ह बना हुआ था। अब उन्होंने मेरे से पहले किसी और को भी हाथ दिखाया है, और उन्होंने कहा था कि आपके मस्तिष्क रेखा में तो कमल की पंखुड़ी बनी है, ठीक है, अब ये कमल की पंखुड़ी बनी है, आपका जीवन इतना बढ़िया बीतेगा, बुढ़ापा आपका फर्स्ट क्लास बीतेगा, ऐसा है वैसा है, उसको तमाम दे दिया। और उन्होंने भी बड़ी उत्सुकता से ये चीज़ सुना और बड़े खुश हुए, और उन्होंने जब मेरा रीडिंग देखा होगा, उन्होंने मुझको फ़ोन कर कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ में, ये है वो है। अब ये क्या होता है, इसमें होता क्या है, ये आपको कुछ मानसिक पीड़ा देगी, ठीक है। अब ये मानसिक पीड़ा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से तिरस्कार मिले या कुछ मिले, ये आपको मानसिक रूप से विक्षिप्त बना देगी। विक्षिप्त कैसे बनाएगी, कुछ ना कुछ पागलपन इनके अंदर में आएगा, ठीक है, कुछ मेंटली अब नॉर्मल जैसे लोग हो जाएंगे बुढ़ापे के समय में, ऐसी स्थिति होगी, या तो बुढ़ापे में जाके अब नॉर्मल हो जाएंगे, या फिर इनके साथ में ऐसी होगी, कुछ ना कुछ इनके मस्तिष्क में ऐसा चोट लगेगा, मस्तिष्क में ऐसा कुछ एक्सीडेंटल केस होगा, या फिर कुछ सर्जरी ऐसी होगी जो इनको पूरी बुढ़ापे तक प्रॉब्लम देगी, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको कुछ सर्जरी हुआ बुढ़ापे पे, तो उन्होंने इस बात को कबूला, उनके मस्तिष्क पे एक रॉड घुस गया था, एक्सीडेंट उनका हुआ था, मस्तिष्क पे पूरा सरिया घुस गया था, उसके कारण से उनका मूड स्विंग अचानक से हो जाता है, अचानक से थोड़ा सा विक्षिप्तता आती है उनके स्वभाव में। अब ये बात वो स्वयं नहीं बताए, उनकी पत्नी जब ये मेरा वीडियो देखी थी, तब उन्होंने कॉल करके अपने बेटे का भी हाथ भेजा मेरे पास में, और उन्होंने बताया कि ये इनका व्यवहार अचानक से बदल जाता है, ऐसी ऐसी बातें भी करने लग जाते हैं कि इनको आग में हाथ रख दे तो जलता नहीं आग, हाथ नहीं जलता, ऐसी ऐसी बातें करते बहकी बहकी से। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, अभी अचानक से कोई आदमी एक मूड में आ गया, उसका सेंस, अब उसको जो सेंस लग रहा है वही सेंस पे वो बात कर रहा है ना, विक्षिप्तता है ये, तो इस टाइप का ये योग बनाता है। अब मान लो किसी के एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है, अब वो पहुँचा है बुढ़ापे में, नॉर्मल कंडीशन में पहुँचा बुढ़ापे में, तब समझना कि बुढ़ापे में वो उसका मस्तिष्क साथ नहीं देगा उसका, बुढ़ापे में उसको जैसे बुढ़ापा हमका शरीर जब पहुंचता है तो आदमी की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है ना, वैसे अब इनके साथ में अब नॉर्मल स्थिति होगी, इनका मस्तिष्क ही साथ नहीं देगा, सेंस नहीं कर पाएंगे अपने आप में कि कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कुछ सुन क्या रहे हैं। मस्तिष्क का साथ ना देना ये इस चीज़ को बताता है। तो बुढ़ापे में ऐसा गंभीर मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग मिल जाता है ऐसे लोगों को, ये स्थिति बताती है। या फिर अगर जवानी में ही कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसका इम्पेक्ट पूरे बुढ़ापे तक जाए, ऐसी कोई स्थिति को भी ये बताता है, ठीक है। तो ये हो गई स्थितियाँ। अब लास्ट एक स्थिति आपको शुक्र से बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। अगर आपके शुक्र पे स्टार है,
ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसको तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, धन कमाते हैं, ये कमाते हैं धन, नहीं बोल रहा हूँ, सुख सुविधा जीवन में बहुत मिलता है, भोग भरपूर करते हैं, भरपूर पराई स्त्रिया पर नारी पे इनका अट्रैक्शन होता है, बार बार इनका जीवन में अटैचमेंट होता है, सारा चीज़ है, ठीक है, क्योंकि भोग है, भोग देगा वो, शुक्र दे रहा है। और इसके साथ में आपको अंगूठे का दो फैलेंज होता है, एक फैलेंज यहाँ पे है, यहाँ पे भी स्टार है और यहाँ पे भी स्टार है। बहुत सावधान रहिए, बहुत ज़्यादा सावधान रहिए अब, अगर दोनों जगह में है तो। अब अपने इस शौक को जो आप भोग जिसको समझ के खुश हो रहे हैं, ये क्षणिक है, इस भोग आपको ऐसा बर्बाद करेगा कि या तो कुछ गंभीर आपको रोग देगा जो बुढ़ापे में आपकी जीवन शक्ति छीन लेगा, बुढ़ापे में गंभीर रूप से आप परेशान रहोगे रोग के कारण से, प्रतिरोधक क्षमता कम कर देगा शरीर की, या फिर आपको विपरीत लिंग से, ठीक है, विपरीत लिंग से आपके जीवन में ऐसा कोई झटका लगेगा जिस झटके को आप संभाले नहीं संभाल पाओगे एंडिंग में, ठीक है। ऐसा जैसे मैंने बताया ना पिछली केस में कि किसी पराई स्त्री के साथ संपर्क में आए और उस स्त्री ने फिर जीवन में तांडव किया और उसके चक्कर में ना तो वो स्त्री मिली और ना ही घर की स्त्री मिली, घर वाले इनको त्याग कर दिए और फिर ये विरह वेदना में अकेले जिए, ऐसी स्थिति बता देगा, या फिर कोई गंभीर रोग पकड़ा देगा जिसके कारण से आपकी क्षमता कम हो जाएगी, प्रतिरोधक क्षमता कम कर देगा और आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा और रोग के घेरे में आओगे, बुढ़ापा तकलीफ में बीतेगा। और ये तो श्योर है कि परिवार से अवहेलना दिलाएगा ही दिलाएगा, पत्नी से बच्चों से आपको अलग करेगा ही करेगा, ये बहुत ख़राब स्थिति है, ये कर्मा है, ये भी कर्मा है, इसको आप नहीं बच सकते हो आप इससे, ठीक है। तो ये स्थितियाँ मैंने आपको बताई हैं जो बहुत ख़राब स्थितियाँ हैं, अगर इनमें से कोई भी स्थिति है तो समझ के चलिए शनि से कभी भी कनेक्शन बन रहा है या जो भी चीज़ें मैंने बताई है, तो पहले ही कुएं में गिरने मत जाइए, कुएं में गिरने से अभी भी समय है आपके पास, तो बच जाइए। और अगर समय गुजर गया है, अब आप बुढ़ापे के समय में हो, तो भाई साहब अब एक ही उपाय है, ईश्वर की भक्ति कीजिए, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगिए, आशीर्वाद मांगिए ईश्वर का, बस यही सारे, और जितना हो सके प्रैक्टिकली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, परिवार को साथ लेने की कोशिश कीजिए। और आप युवा हैं तो अभी भी समय है, अगर जा भी रहे हैं तो बंद कर दीजिए, चीज़ों को संभालने की कोशिश कीजिए, आपका बुढ़ापा अच्छा रहेगा, संतान का साथ मिलेगा, ठीक है, ऐसा स्थिति को ये बताएगा। तो ये था आज, मैं नेगेटिव पॉइंट बताया हूँ, नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में आपको पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊँगा। मेरा इंटेंशन हमेशा नेगेटिव को ज़्यादा लेके रहता है, क्योंकि कुछ अगर अच्छी स्थितियाँ जीवन में आने वाली है तो उसकी अच्छा प्रभाव जीवन में ज़रूर पड़ेगा, बुरा है तो फिर उसके लिए हमको सचेत होना चाहिए, है ना। तो चलिए, ये था आज का टॉपिक, मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और अगर कुछ लगता है कि पॉइंट सही है, आपके हाथ में है या आपके आसपास के हाथ में है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और भी कोई दूसरे वीडियो या आपको टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।